तंग दफ्तर भी तंग दफ्तर भी मेहमान नवाजी की कसम अपने तीरों को भी प्यासा कभी जाने न दिया और लहू पिलवा दिया सब उसने प्यासे तीरों को वो बेवतन था मगर मेज़बान ऐसा था वो बेवतन था मगर मेज़बान ऐसा था तो अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है मैं तो नाम जब अली अली का अली से हुआ बसता इसको हिंदुस्तान के मशहूर गुलामाने ख्वाजा सैयद नूर आलम जो अजमेर शरीफ के खुदाम हैं लंगर खाने में आपका कयाम रहता है हजरत सैयद नूर आलम साहब ने इसको लिखा है उनका लिखा हुआ ये मौलाना की शान में कलाम है जमा तुम्हारे जिसने उम्मत की खातिर सब कुछ लुटा दिया सब कुछ लुटा दिया जिसने उम्मत की खातिर सब कुछ लुटा दिया सब कुछ लुटा दिया जिसने उम्मत की खातिर सब कुछ लुटा दिया सब कुछ लुटा दिया करबल में सजदा करके सर भी कटा दिया सर भी कटा दिया करबल में सजदा करके सर भी कटा दिया सर भी कटा दिया जिसने उम्मत की खातिर सब कुछ लुटा दिया सब कुछ लुटा दिया करबल में सजदा करके सर भी कटा दिया सर भी कटा दिया अली मौलाना करबल में सजदा करके सर भी कटा दिया
हसनैन सा गुलबा हसनैन सा होता है जब किसी का कुनबा हसनैन सा कुनबा हसनैन सा बेटी हो ज़ैनब जैसी होता है कब किसी का कुनबा हसनैन सा बेशक पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली जब हो गए जवान तो इमामत खरीद ली मादर से खुल्क बाप से ताकत खरीद ली सर दे गरा है हक में शहादत खरीद ली नाना के दो नवा सुन जन्नत खरीद ली देखो होता है कब किसी का कुनबा हसनैन सा कुनबा हसनैन सा सुना जो आपने ईमान की दुहाई को हुसैन आ गए उम्मत की रहनुमाई यजीद बोलक ताकत नहीं तो कुछ भी नहीं हुसैन बोल सदाकत नहीं तो कुछ भी नहीं यजीद बोलन सबको खिलाफ कर दूंगा हुसैन बोले मैं सबको माफ कर दूंगा यजीद बोला मेरा हौसला निराला है हुसैन बोले मेरे साथ हकदारा है यजीद बोला इधर ममन और खजाना है हुसैन बोले के नाना को मुंह दिखाना है यजीद बोला इधर पर्चियां और भाले हैं हुसैन बोले यहां सर कटाने वाले हैं यजीद बोला मैं हाकिम हूं जबर करता हूं यजीद बोला मैं हाकिम हूं जबर करता हूं हुसैन बोला मैं सैयद हूं सब्र करता हूं होता है अदना गुलाम है वाजा का नूर आलम
का गुलाम है, अदल का गुलाम है। हुआ बस्ता अली अली मेरे मौला, कोई